फेसबुक देश में दोबारा एक्सप्रेस वाईफाई हॉटस्पॉट्स लाने की तैयारी में है, जिसके लिए उसकी छोटे इंटरनेट प्रोवाइडर्स से बात चल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फेसबुक इसे फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। देश के टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने साल 2016 में फेसबुक को उसके फ्री वाईफाई सेवाएं लॉन्च करने से रोक दिया था, क्योंकि ऐसा करना नेट न्यूट्रलिटी के नियमों का उल्लंघन था। पर अब फेसबुक देश में पहले से ज्यादा आक्रामक रवैये के साथ इसे भारत में लाने की तैयारी में है, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे इस साल की दूसरी या तीसरी तिमाही तक देश में पूरी तरह लॉन्च कर दिया जाएगा। इसे एक्सप्रेस वाईफाई का नाम दिया गया है, और इसके जरिए फेसबुक देश में करीब 20,000 हॉटस्पॉट्स लगाने की तैयारी में है। इसके लिए फेसबुक ने देश के सेकेंड और थर्ड पार्टी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, और छोटे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत चल रही है। खबरों के अनुसार फेसबुक ने गुजरात में तिकोना, राजस्थान में LMES, उत्तराखंड में एयर जल्दी, मेघालय में शैलधर और उत्तर प्रदेश में नेट विजन के साथ पार्टनरशिप कर ली है, और फेसबुक के मुताबिक 1,000 हॉटस्पॉट शुरू कर दिए गए हैं। जियो के टेलीकॉम सेक्टर में आने के बाद से बाकी कंपनियों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेलुलर अभी भी अपने उपभोक्ताओं को 2G सिम से 4G में करा नहीं पाए हैं। एयरटेल के कुल सब्सक्राइबर्स में से करीब 70% अभी भी 2G नेटवर्क पर हैं। वहीं आइडिया के करीब 24% लोग 2G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या एक्सप्रेस वाईफाई के आने से इसमें कुछ तब्दीली होगी या टेलीकॉम कंपनियों को धक्का लगेगा? ट्राई के अनुसार दिसंबर 2017 तक देश में कुल 44,59,00,000 इंटरनेट उपभोक्ताओं में से ग्रामीण क्षेत्र के सिर्फ 13,20,00,000 उपभोक्ता इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक के इस कदम से क्या देश में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा? पर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से फेसबुक भारत में अपने फायदे से ज्यादा इंटरनेट को बढ़ाने के लिए दोबारा कोशिश कर रहा है। उज़ैर अली जाफरी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।